अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला, अजान दे रहे हैं। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه कल 22 तारीख को हमारे जश्न तशक्कुर के साल का आखिरी दिन था और आज अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात अहमदिया की इस दूसरी सदी का पहला दिन जुमातुल मुबारक से शुरू हो रहा है और अभी चंद दिन तक रमज़ानुल मुबारक भी आने वाला है। गुज़श्ता रमज़ान मुबारक में जमात अहमदिया ने गैर मामूली तौर पर साल तशक्कुर की कामयाबी की दुआएं मांगी थीं। इस रमज़ान मुबारक को साल तशक्कुर का शुक्रिया अदा करने का रमज़ान मुबारक बना देना चाहिए, क्योंकि इस कसरत के साथ खुदा ताला की रहमतें नाजिल हुईं और इस कसरत से जमात की अदना कोशिशों को फजल के फल लगे कि उसका बयान इंसान के लिए मुमकिन नहीं। हर सतह पर जमात के बड़ों और छोटों ने खुदा ताला की रहमतों और गैबी ताईदात के नमूने देखे और हर जगह अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात के ईमान को नई तकवीयत और नई ज़िंदगी मिली। ये तफासील जैसा कि मैंने बयान किया है सारी दुनिया के 120 ममालिक पर फैली पड़ी हैं और इनका अगर बहुत ही मामूली खुलासा भी निकाल कर पेश करने की कोशिश की जाए तो जैसा कि आपने गुज़श्ता जलसे में देखा था कई घंटों में भी उस खुलासे का हक भी अदा नहीं हो सका। बस इस पहलू से मैं इस मज़मू इस खुतबे में तफसील से इस बात पर तो रोशनी नहीं डालूंगा कि इस गुज़श्ता साल तशक्कुर में जमात अहमदिया को क्या कुछ मिला और कैसे कैसे मिला, लेकिन आखिर पर एक चंद बातें आपके सामने ऐसी रखूंगा जो ताज़ा ख़बरों से ताल्लुक़ रखती हैं। ये आयत जिसकी मैंने तलावत की है इसका तर्जमा यह है कि ऐ इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन, तुझे यकीनन खुदा के हजूर मेहनत करके पहुंचना है और इस राह में कोशिश करनी है और इसके नतीजे में हम तुम्हें खुशखबरी देते हैं। फमुलाकी है, ऐसी सूरत में तुम अपने रब को पालोगे। ये रमज़ान मुबारक जो करीब आ रहा है इसके नुक्ते निगाह से मैंने इस आयत का आज इंतखाब किया। इस रमज़ान मुबारक में जहाँ खुदा ताला का गैर मामूली खुदा ताला के हजूर गैर मामूली जज्बात तशक्कुर का इजहार करें वहाँ उससे लिका की दुआ मांगें और ये अर्ज़ करें कि हम तेरे हजूर मेहनत तो करते हैं कोशिश करने का अहद करते हैं लेकिन लिका का मामला सिर्फ हमारी ख्वाहिश से ताल्लुक़ नहीं रखता ना हमारी मेहनत तक महदूद है। हकीकत यह है कि जब तक तू पर्दा ना उठाए हमारी लिका मुमकिन नहीं है, इसलिए तू अपने फजल के साथ हमारे लिका के सामान पैदा कर। यहाँ कदहा का लफ्ज़ ख़ास तवज्जो का मुस्तहिक है। इन्ना का कादिहुन इला रब्बे का कदहन, कदहा का एक माना है सख्त मेहनत करना और जब साथ कदहन दोहराया जाए तो इसका माना ये बन जाएगा कि बहुत ही सख्त मेहनत करना, मेहनत को अपनी इंतहा तक पहुँचा देना। बस अव्वल तो लिका का मज़मून चूँकि
इंसानी इबादत का मेराज है, इसलिए लाजिमन जितनी बुलंद चोटी हो उतनी ही ज़्यादा मेहनत दरकार हुआ करती है। तो कुरान करीम ने यहाँ इन्ना का कादिहुन इला रब्बे का कदहन करके ये फरमा दिया कि आम दुनिया की मुलाकातों के लिए तुम तरसते हो और बाज़ औक़ात बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। शीरी फरहाद का किस्सा आपने सुना है। फरहाद एक नहर खींच लाने के लिए अपनी सारी उम्र गंवा बैठा और पत्थरों के साथ पेशे मार मार के उसने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो तमाम दुनिया की तमाम हिंदू पाकिस्तान की तारीख में एक ज़रबुल मसल बन चुका है, यानी उस कारनामे की वजह से फरहाद का नाम ज़रबुल मसल बन चुका है। लेकिन फिर भी उसको लिखा नसीब नहीं हुई। बस दुनिया की खातिर बसा औकात इंसान इतनी मेहनत करता है और ऐसी गैर मामूली कुर्बानियाँ पेश करता है और उसके बावजूद उसको लिखा नसीब नहीं हुआ करती, क्योंकि लिखा के लिए उस शख्स के अंदर भी एक आला खुल्क का होना ज़रूरी है जिसकी खातिर मेहनत की जाती है। जब तक उसकी ज़ात शुक्र को कबूल करने मेहनत को कबूल करने वाली ना हो और अपने अंदर गैर मामूली एहसान की शान न रखती हो, उस वक्त तक ज़रूरी नहीं कि हर मेहनत करने वाले को उसके महबूब की लिखा मिल जाए। खुदा ताला की ये शान है कि हर मेहनत वाले को अगर वह हस्ब तौफीक मेहनत करे लिखा की दावत देता है, और चूंकि खुद देता है इसलिए लाजमन इंसान यकीन के साथ मेहनत करता है कि अगर मैं हकीकी मानों में जैसा कि फरमाया गया है उसकी लिखा की कोशिश करूंगा तो लिखा से महरूम नहीं रहूंगा। दूसरा कदह का माना है अगले दो दांतों से काटना, और इसमें भी इसी मेहनत के मज़मून को मज़ीद वाज़े फरमा दिया गया। खुदा की राह में जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें अपने नफ्स को काटना पड़ता है और उसके लिए दुख उठाना पड़ता है। दुनिया के इश्क में भी जो लोग मेहनत करते हैं वो मुसलसल अपने नफ्स को काट रहे होते हैं और अपने दिल को ज़ख्म पहुंचा रहे होते हैं अपने महबूब के फिराक में और उसकी लिखा की ख्वाहिश में। बस खुदा ताला ने यहाँ वो लफ्ज़ इख्तियार फरमाया जो इश्क के मज़मून को कामिल तौर पर खोल कर बयान फरमाता है। फरमाया ये मेहनत कोई बेगार की मेहनत नहीं हो सकती, ऐसे मज़दूर की मेहनत नहीं जिसके लिए कोई और इख्तियार ना रहा हो, मजबूर कर दिया गया हो। बस इन्ना का के लफ्ज़ में जो ताकीद है उससे ये गलतफहमी नहीं पैदा होनी चाहिए कि खुदा तुम्हें मजबूर कर रहा है। फरमाया ऐसी मेहनत तुम कर सकते हो जब ही जब तुम्हें इश्क का जज्बा पाया जाए, जब तुम साथ अपने नफ्स को काट भी रहे हो। और ये जो मज़मून है दो दांतों से काटने वाला, ये बसा औक़ात इबादत में वाक़ियतन तजर्बे में से गुज़रता है। बाज़ दफ़ा जैसा कि स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे लड़के भी जानते हैं, इम्तिहान के दिन करीब आ जाएं, ज़्यादा मेहनत के तकाजे हों और नींद का गलबा हो तो बाज़ तलबा अपने आप को जगाए रखने के लिए बार बार अपने हाथ को काटते हैं, यानी ऐसा नहीं काटते कि ज़ख्म लग जाए लेकिन जगाने के लिए वो कुछ तकलीफ़ अपने आप को पहुँचाते हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा का ये हाल था कि इबादत में खड़े रहने की खातिर अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाया करते थे। चुनाँचे एक दफ़ा हज़रत अक़दस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा मुबारका के घर गए तो एक रस्सी लटकी हुई देखी जो छत से किसी जगह से लटकी हुई थी। आपने पूछा कि ये क्यों, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने ज़ौजा मुबारका ने जवाब दिया कि ये इसलिए कि मैं इतना देर खड़ा रहती हूँ खुदा के हजूर कि थक कर गिरने लगती हूँ, उस वक्त मैं इस रस्सी का सहारा ले लेती हूँ। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गैर मामूली मेहनत शाका से मना फरमाया, लेकिन अपनी ज़ात में आपकी इबादत भी बहुत मेहनत तलब थी।
और बाज़ औक़ात आपके इबादत में खड़े खड़े पांव सूज जाया करते थे। तो कदहा में जो दांतों से काटने का मफहूम है, ये भी अमलन खुदा की राह में मेहनत करने पर सादिक आता है। बस लिका के लिए जो कोशिश होनी चाहिए उसमें इन मेहनतों के अलावा दुआ का पहलू भी सामने रखें, और रमज़ान मुबारक चूँकि खुद खुदा को हमारे करीब ले आता है, और चूँकि रमज़ान मुबारक के मुतल्लिक़ हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी दी है कि हर नेकी की कोई जज़ा मुकर्रर है लेकिन रोज़ों की जज़ा खुदा खुद है, तो इस लिहाज से इसका लिखा के मज़मून से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बस इस महीने में लिखा की दुआ करना और लिखा के लिए कोशिश करना यकीनन दूसरे महीनों के निस्बत बहुत ज़्यादा नतीजा खेज साबित हो सकता है। एक गलत फहमी लोगों के बाज़ उलमा के दिल में और आम मुसलमानों के दिल में आम पाई जाती है कि यहाँ जिस लिखा का वादा किया गया है वो लिखाए आखिरत है और हर इंसान इससे मुखातब है, और इससे मतलब इसका ये है कि आखिरत में लिखा नसीब होगी। ये बात एक लिहाज से तो दुरुस्त है कि हर इंसान तौम व करहन क़यामत के दिन खुदा के हुजूर हाजिर किया जाएगा, मगर ये दुरुस्त नहीं कि हर इंसान को लिखा नसीब होगी। ये महज एक गलत फहमी है और कुरान करीम इसकी वाज़ तरदीद फरमाता है। लिखा के नसीब होने के लिए ज़रूरी शर्त है कि इस दुनिया में लिखा नसीब हो। मन फी हाज़े ही आमा फहुवा फिल आखिरते आमा, वो लोग जो इस दुनिया में अंधे हैं वो खुदा की लिखा आखिरत में कैसे कर सकेंगे। फरमाया हुआ फिल आखिरते आमा, वो तो क़यामत के दिन भी अंधा रहेगा। बस हाजिर हो जाना और मज़मून रखता है और लिखा नसीब हो जाना और मंजूर मज़मून रखता है। बस हर चीज़ खुदा के हजूर लौटाई ज़रूर जाएगी, लेकिन ये कहना कि लिखा नसीब होगी ये दुरुस्त नहीं। बस अगर हर इंसान मुखातिब है तो इस दुनिया में लिखा मुराद है। ऐ बंदो तुम में से हर एक को मैंने ये सलाहियतें अता फरमाई हैं कि अगर तुम मेरी राह में मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अपनी लिखा अता करूँगा। बस ये मेहनत करो और ये सलायाम है। इसी मज़मून को कुरान करीम की एक और आयत बहुत खोल कर बयान फरमाती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिक जज़ाउहुम बिमा कफरू, लिखा रब्बी मन कान यरजू लिखा रब्बी, यानी इससे पहले आए थे। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयात रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबतत आमालुहुम, उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयात रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबतत आमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। फरमाया कि जो शख्स, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा का कुफ्र किया, ये जज़ा जो उनको मिल रही है जहन्नम की इसलिए है कि उन्होंने खुदा का कुफ्र किया और उसकी लिखा का इनकार कर दिया, बस इसलिए इनको जहन्नम की जज़ा दी जा रही है और इनके आमाल का क़यामत के दिन कोई भी वज़न नहीं होगा। ये आयत बहुत ही तवज्जो तलब है, इसमें नेक आमाल का इनकार नहीं फरमाया गया। बद आमाल का तो वजन हुआ ही नहीं करता। मुराद ये है कि वो लोग जो बज़ाहिर नेक आमाल करते हुए तुम्हें दुनिया में दिखाई देंगे, अगर वो उन नेक आमाल के बावजूद खुदा की लिखा के मुनकिर हैं तो इस दुनिया में खुदा की लिखा का इनकार उनको लिखा से महरूम रखेगा, और जो इस दुनिया में लिखा से महरूम रहेगा क़यामत के दिन उसको कुछ भी नसीब नहीं होगा। गोया उसके सारे नेक आमाल इस दुनिया में ज़ाया चले गए।
उलाए के लजीना कफरू बे आयात रब्बहिम व लिखाएही फहबतत आमालहुम। हबतत का मतलब है कि उनका आमाल जाया कर दिए जाएंगे और उनका वजन खत्म हो जाएगा, उसमें कोई माने नहीं रहेंगे। बस बद आमाल को अगर जाया किया जाए तो वो तो बड़ी नेमत है उन लोगों के लिए जिनके बद आमाल जाया कर दिए जाएं, किसी खाते में ना डाले जाएं। बस लाजिमन इस आयत में नेक अमाल की तरफ इशारा है और ऐसे लोगों के नेक अमाल की तरफ इशारा है जो नेकी बज़ाहिर करते हैं लेकिन इस दुनिया में खुदा की लिखा के कायल नहीं होते और उसकी तलाश नहीं करते, उसके चेहरे के दीदार के तालिब नहीं होते, क्योंकि उनके नज़दीक उनके अकीदे के मुताबिक इस दुनिया में खुदा की लिखा ख़त्म हो चुकी है। यहाँ ये जिक्र करने के बाद फिर अल्लाह ताला आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये दिखाता है कि इस दुनिया में लिखा होती है और सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए लिखा का इम्कान मौजूद है। फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फमन कान यरजू लिखा रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युश्रिक बे इबादत रब्बिही अहदा। और ये आयत जो मैंने अब पढ़ी है ये पहली पढ़ी हुई आयत के चंद आयतों के बाद है, जो मज़मून वहाँ उठाया गया था उसको यहाँ मुकम्मल किया गया है। फरमाया वो कैसे जाहिल लोग हैं जो लिखा का इनकार कर देते हैं, क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने एक बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लिखा अता फरमाई और उसे कहा कि ये आम ऐलान कर दो कि ये लिखा मेरे लिए ख़ास नहीं बल्कि मेरे ताल्लुक़ के नतीजे में जिस तौहीद की मैं तालीम देता हूँ अगर उसके साथ तुम वाबस्ता हो जाओ और नेक अमाल करो तो तुम्हें भी खुदा इस दुनिया में लिखा अता कर देगा। बस लिखा का मज़मून एक सलाए आम है, हर इंसान के साथ इसका ताल्लुक है और हर इंसान को इस दुनिया में लिखा की लाजमन कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस मज़मून से गाफिल रह कर ज़िंदगी बसर करने के नतीजे में ये ख़तरा लाहक रहेगा कि इंसान जो इस दुनिया में खुदा की लिखा नहीं कर सका वो आखिरत में भी लिखा से महरूम रह जाए। बस ये बहुत ही अहम मज़मून है, इसको जमात को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। साहिब लिखा लोग अगर नसीब हो जाएं, अगर किसी जमात की अक्सरियत साहिब लिखा बन जाए तो अजीमुशान रूहानी इनकलाब बरपा हों। एक साहिब लिखा बंदे से भी बाज़ दफ़ा रूहानी इनकलाब की दाग बेल डाली जाती है, चुनाचे तमाम अंबिया की मिसाल ऐसी ही है। एक कामिल अंधेरे के ज़माने में जबकि तमाम दुनिया का खुदा से ताल्लुक कट चुका होता है, एक बंदा ऐसा उठता है जो खुदा से ताल्लुक कायम करता है और उसके लिखा हासिल कर लेता है और फिर उस लिखा को फिर आगे इस तरह तकसीम किया जाता है जैसे कोई साकी शराब बांटता है और ऐलान आम कर करके सलाह आम दे देकर लोगों को बुलाता है कि आओ अब मेरे मेखाने से शराब बट रही है आओ और इससे हिस्सा लो। चुनाचे ये जो आयत है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया ये इसी किस्म की सलाह आम का ऐलान कर रही है। फरमाता है उनको बताओ कि मैं भी तो तुम्हारी तरह का ही बशर था, तुम जैसा ही था देखने में, मुझ में अगर फ़र्क पड़ा है तो लिखा के नतीजे में फ़र्क पड़ा है। और लिखा का दूसरा माना वही इलाही है, खुदा ताला से ख़बरें पाना, खुदा ताला से ताल्लुक़ के इजहार की बातें सुनना और रोया और कशूफ में उसको देखना, वरना ज़हरी आँख से तो खुदा की लिखा मुमकिन नहीं। बस यहाँ लिखा की तफसीर भी फरमा दी कि लिखा वही को कहते हैं और इस दुनिया में साहिब वही हो जाना ये ना सिर्फ ये कि हर इंसान के लिए मुमकिन है बल्कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और जो कौमें वही का इनकार कर बैठती हैं उनके अमाल इस दुनिया में ज़ाया कर दिए जाते हैं। बस आज अहमदियत का और गैर अहमदियत का सबसे बड़ा फ़र्क ये है, आज दुनिया के अक्सर दूसरे फ़िरके ख़ा वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हों या दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हों वही के मुनकर हो चुके हैं।
اور قرآن کریم کے مطابق لقاء کے منکر ہو چکے ہیں, اور جو لقاء کا منکر ہو جائے اس کے نظر آنے والے نیک اعمال خدا تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن ضائع کر دیے جائیں گے, ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ مقصود تو محبوب ہے, اگر محنت محبوب کی طرف نہیں لے کے جا رہی اور محبوب کی لقاء کی تمنا میں نہیں کی جا رہی تو اس محنت کے کوئی معنی نہیں, وہ تو پتھر سے سر ٹکرانے والی بات ہے. بس محنت اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. نیک اعمال اگر محنت ہیں تو ایسی محنت ہیں جن کا رخ کوئی نہیں, وہ خدا کی محبت میں نہیں کی جا رہی, خدا کی طرف بڑھنے کے لیے نہیں کی جا رہی. بس یہ جو رمضان مبارک آنے والا ہے اس میں لقاء کے مضمون کو اس طرح پیش نظر رکھیں جس طرح میں نے بیان کیا ہے, اور خدا تعالیٰ سے غیر معمولی طور پر یہ التجا کریں کہ اے خدا ہمیں سب دنیا میں صاحب لقاء بنا دے. ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ 120 ممالک میں پھیل گئے ہیں, مگر اگر 120 میں صاحب لقاء نہیں تو حقیقت میں ہمارا 120 ممالک میں وجود ثابت نہیں ہو سکتا. حقیقت میں ہم 120 ممالک میں تب پائے جائیں گے جب ہر ملک میں ایسے صاحب لقاء بندے پیدا ہو جائیں گے جن کو قطب کہا جاتا ہے, جن کے اوپر زمین آسمان کھڑے کیے جاتے ہیں, جن کے سہارے سے باقی دنیا چلتی ہے. بس ایسا صاحب لقاء بننے کی کوشش کریں, پھر دیکھنا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان رحمتوں اور برکتوں میں کتنی تیزی آ جاتی ہے جو ہم پر اس سارے گزشتہ میں نازل ہوئی ہیں. دو تین جو تازہ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کرنی تھیں, ایک تو اس سفر سے تعلق رکھتی ہیں جو ابھی میں نے حال ہی میں کیا, اور گزشتہ سال تشکر کے سال کا یہ آخری سفر تھا جس میں فرانس سے گزرتے ہوئے پہلے تو پرتگال گئے, اور پھر پرتگال سے اسپین, اور اسپین سے پھر واپس فرانس کے رستے ہم یہاں واپس پہنچے. پرتگال جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف 2 سال پہلے ایک مبلغ کو بھیجا گیا تھا, مولانا کرم الہی سر ظفر کو, اور جیسے درویش صفت وہ انسان ہیں اسی طرح کی وہ دعا گو ہیں اور بہت دعائیں کر کے کام کرنے والے ہیں. چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو پھل لگایا, اور اس وقت تک جب میں گیا ہوں خدا تعالیٰ کے فضل سے 9 بیتیں وہاں ہو چکی تھیں, اور ان 9 میں آگے پھر پھیلنے کا جذبہ پایا جاتا تھا. ان میں ایک جو خالص پرتگالی نسل کے تھے وہ دیکھنے میں بالکل سادہ, اور یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جذباتی ہوں گے, لیکن ان کی شخصیت کے اندر چھپے ہوئے بعض ایسے خواص تھے جو رفتہ رفتہ ظاہر ہونے شروع ہوئے. بہت کم گو اور اپنے جذبات کو ظاہر نہ کرنے والا مزاج تھا, لیکن جب ان سے رخصت کر کے ہم اسپین پہنچے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں وہ استقبال کے لیے کھڑے تھے. میں نے جو ان کی زبان جانتے تھے ان سے کہا, ان سے پوچھو کہ یہ تو ہمیں الوداع کہہ کے آئے تھے, ہم ان کو الوداع کہہ کے آئے تھے اور انہوں نے ہمیں رخصت کیا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا یہ تو آپ سے پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں, یہ آ کے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ رخصت کر کے مجھے بے چینی لگ گئی, اور میں نے کہا کہ جب تک میرا بس ہے میں ساتھ ضرور رہوں گا. چنانچہ جاتے ہی وہاں جو استقبال کی تیاریاں تھیں ان میں سب سے زیادہ انہوں نے محنت کی, جو جھنڈیاں لگائی تھیں وہ انہوں نے لگائیں, جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیے, اور حیرت انگیز اخلاص کا اظہار کیا جس سے اسپین کی جماعت کو بھی بڑی روحانی تقویت ملی. جو دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے بعض افریقن ممالک کے دوست تھے جو پرتگیزی اثر کے نیچے ہیں, ان میں بھی میں نے بہت ہی جذبہ دیکھا, اور تمام پرتگال کے معززین ہمارے کی بہترین نمائندگی ہماری ریسپشن میں ہوئی. اس سلسلے میں میں گزشتہ خطبے میں کچھ ذکر کر چکا ہوں, اس باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں زمین تیار ہے اور بہت تیزی سے جماعت احمدیہ کی محبت بڑھ رہی ہے. ٹیلی ویژن نے, ریڈیو نے, اخبارات نے جماعت احمدیہ کے چرچے کیے, اور جہاں جہاں بھی ہم ٹھہرے, جہاں جہاں بھی ہمارے واسطے ہوئے,
वहाँ हमने गैर मामूली मोहब्बत, जवाबी मोहब्बत को उभरते हुए देखा, और खुदा ताला के फजल के साथ ऐसे रابطے पैदा हुए जिससे जिनसे इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ उस मुल्क में बल्कि और भी दूसरे मुल्कों में अहमदियत की दाग बेल डालने के इम्कानात रोशन हुए हैं। मसलन हमारी रिसेप्शन में वहाँ की तमाम पार्टियों के नुमाइंदगान शामिल थे, और मुकामी तौर पर हुकूमत के नुमाइंदगान भी और मौजूद शख्सियतें भी, लेकिन उसके अलावा बहुत से दीगर ममालिक के एम्बेसडर्स तशरीफ लाए हुए थे, और उन एम्बेसडर्स ने जिस तरह सवाल और जवाब में हिस्सा लिया और उसके बाद जिस मोहब्बत से इजहार किया है, उसको देखकर यकीन नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जमात अहमदिया तो हम बिल्कुल गैर मारूफ थी, किसी को कानों कान भी खबर नहीं थी कि जमात अहमदिया कोई मौजूद है, लेकिन देखते देखते सारी फिजा पलट गई। कोई रेडियो से रब्ता नहीं था, लेकिन चूंकि ऐसी मजलिस जिसमें मौजूदीन तशरीफ लाएं, वहाँ टेलीविजन और रेडियो को खुद दिलचस्पी पैदा हो जाती है, इसलिए टेलीविजन की, नेशनल टेलीविजन की नुमाइंदा वहाँ तशरीफ लाई हुई थी, उन्होंने सारी तकरीब की कार्रवाई को टेलीवाइज किया और फिर हमें बताया कि कल ये फलां वक्त नशर होगी, और ये भी वादा किया कि हम इसकी, मैं इसकी मुकम्मल कॉपी आपको दे दूँगी ताकि आप भी इससे इस्तेफादा करें। बाज़ एम्बेसडर्स जो मशरक़ी यूरोप से ताल्लुक़ रखते थे, उनके अंदर ऐसी जल्दी जल्दी तब्दीली पैदा हुई कि एक एम्बेसडर ने तो दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ कर जाने से पहले बार बार ये कहा कि आई एम डीपली टच्ड, मेरी रूह में गहराई तक असर हो गया है, और वो हाथ ही नहीं छोड़ते थे, ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती थी, यही फिक्र बार बार कही जाते थे, और फिर अपने कार्ड्स दिए और आइंदा मुस्तकिल ताल्लुक़ रखने की तलखीन की। एक एम्बेसडर साहब का वहाँ हमारे होटल पहुँचना, अपने मिशन हाउस में जहाँ क़याम था, वहाँ पहुँचते पहुँचते फ़ोन आ गया कि मैं तो दोबारा मिलना चाहता हूँ, मुझे आप दोबारा वक्त दें। चुनाचे दूसरे दिन फिर हम उनके यहाँ हाजिर हुए, और बड़ी मोहब्बत के माहौल में जो मज़मून था गुफ्तगू का, वो ये था कि हमारे मुल्क में आप जल्दी पहुँचें, और किस तरह पहुँचें इस सिलसिले में उन्होंने मुझसे बातें की कि मैं मदद करना चाहता हूँ, और अगर आप आना चाहें तो दरवाज़े खुले हैं, और मैं अपनी हुकूमत से रابطہ करता हूँ। मैं ये वादा तो नहीं कर सकता कि मैं 100% कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि अपनी इंतहाई कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे नज़दीक हमारे मुल्क को जमात अहमदिया की ज़रूरत है। चुनाचे ये खुदा ताला का ख़ास फजल था, वरना इंसान कहाँ ये तब्दीलियाँ दिलों में पैदा कर सकता है। ये उस साल, ख़ास साल की बरकत भी है जिसे हमें यौम तशक्कुर का, यानी जश्न तशक्कुर का साल कहते हैं, और चूँकि वो मुबाहले का भी साल था, इसलिए खुदा ताला ने इसे दोहरी बरकतें दी हैं, गैर मामूली कामयाबियाँ नसीब हुई हैं। स्पेन में जाकर भी यही हाल हुआ कि वहाँ जब रिसेप्शन दी गई तो वहाँ के दो गवर्नर तशरीफ़ लाए हुए थे, और एक गवर्नर तो इजाज़त लेकर चले गए, लेकिन एक गवर्नर उस सूबे के वहाँ बैठे रहे और बहुत ही गौर और तवज्जो से बातों को सुना और रिस्पॉन्ड किया। वहाँ के जो आईजी पुलिस थे, उन्होंने ये कहा आखिर पे कि मेरी तो अभी प्यास नहीं बुझी, मैं कल दोबारा आना चाहता हूँ। वही बात जो वहाँ हुई थी वैसी बात यहाँ दोहराई गई, अब ये किसी इंसान के बस की बात तो नहीं। चुनाचे वो दोबारा मिशन तशरीफ़ लाए, और वहाँ आकर बड़ी लंबी बातें हुई, और उन्होंने कहा कि मैं मुस्तकिलन इस जमात से ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, और मुझे आप अपना भाई समझें, और यहीं नहीं बल्कि सारे स्पेन में कहीं कोई काम हो तो मुझे खिदमत का मौका ज़रूर दें। और लुत्फ की बात यह है कि उस वक्त हमें इल्म नहीं था पहले, और उनकी ज़ुबानी इल्म हुआ कि हमारे दो अहमदी मिस्त्री जो पाकिस्तान से आए हुए थे और वहाँ काम कर रहे थे, उनका सिर्फ 2 महीने का वीज़ा मिला था, वो बढ़ाते बढ़ाते 1 साल तक पहुँच गया था, और यही वो साहब थे जिन्होंने आखिरी फैसला करना था।
चुनाचे इन्होंने हमें कहा, मिशनरी को मुखातिब होकर कहा कि मैं ये फैसला कर चुका था कि किसी कीमत पर अब इनको एक दिन भी और इजाजत नहीं देनी, और अब मैंने ये फैसला किया है कि आपको कभी किसी दरख्वास्त की जरूरत नहीं है, मैं अब खुद इसके वीजे को जब तक आप कहेंगे बढ़ाता रहूंगा, जब तक आपकी ख्वाहिश होगी बढ़ाता रहूंगा, लेकिन आपको दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए। इस तरह खुदा तआला अपने हैरत अंगेज तौर पर फजल नाज़िल फरमाता रहा और तालुकात के रबते बढ़ाता रहा। वहीं वो उसी मुल्क के सफीर ने जो यानी स्पेन के, स्पेन में जो मुतय्यन हैं जिनकी मैंने पहले बात की है कि दोबारा उन्होंने ख्वाहिश की थी और मुलाकात की थी, मिशन में फ़ोन किया कि मैं तो उनसे ज़रूर मिलना चाहता हूँ। अब मेरा ये तासुर है कि उन्होंने फ़ोन किया होगा या फिर कोई दावतनामा जो गया था उसका उसकी वजह होगी, मगर बहरहाल उनके इसरार की वजह से हमें अपना रास्ता बदल कर मैड्रिड से होके जाना पड़ा, और वहाँ अल्लाह ताला के फजल से उनके साथ भी उसी मजमून पर बातें हुई, और उन्होंने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे मुल्क को आपकी ज़रूरत है, मैं अपने तौर पर रब्ता करता हूँ और जब कोई मुस्बित जवाब आएगा तो मैं फिर आपको मुतल कर दूंगा। जहाँ तक सवाल जो आपकी मजालिस का ताल्लुक है, स्पेन में भी अल्लाह ताला के फजल से काफ़ी समझदार तबके के लोग सिर्फ वहीं से नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी तशरीफ़ लाए हुए थे, और उनसे लंबी मजालिस लगीं जिसके नतीजे में स्पेनिश ज़ुबान में भी हमें बहुत सी अच्छा बहुत अच्छा मवाद सवाल जवाब की मजलिस का मुहैया हो गया। उससे एक दिन पहले एक बाप बेटा ने, दोनों ने यानी मुझसे ख़ास तौर पर एक दरख्वास्त की। करमला इसा जफ़र ने यह कहा कि एक मेहमान आए हैं आज जिन पर मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन वो करीब आकर वहीं खड़े हैं, आज ये दुआ करें कि ये एमडी हो जाए। और उनके बेटे कमर ने भी एक दरख्वास्त की, और कैसे अजीब शान है, खुदा ने सारे ख़ानदान को किस तरह तबलीग की लगन लगाई हुई है और कैसा इखलास अता किया है। तो यही दुआ थी, एक हमारे दफ्तर में बड़ी बासर और बड़ी बाशऊर और तालीम याफ्ता औरत है, उस पर मैंने बड़ी मेहनत की है, और एक और दोस्त हैं, दुआ करें कि कोई इनमें से बैत कर ले, क्योंकि अब तक मुझे कोई फल नहीं मिला। वो भी उस दोनों भी तशरीफ लाए हुए थे। चुनाचे जो दोस्त थे जिनका जिक्र किया है वो वहाँ के बड़े ही समझदार तालीम याफ्ता साहिब इल्म और अमीर आदमी हैं, उनका एक बहुत बड़ा फर्नीचर का कारखाना है और बड़ी देर से इस्लाम में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 5 कुरान करीम मुख्तलिफ वक्तों में जो स्पेनिश ज़ुबान में तर्जमा हुए थे वो लेके रखे हुए हैं, और 5वां आपका कुरान करीम है, और उन्होंने कहा कि जब तक आपका कुरान करीम मेरे हाथ नहीं आया मुझे कुछ पता नहीं लगता था कि कुरान करीम के मज़ामीन क्या शान रखते हैं, और जब से ये कुरान पढ़ना शुरू किया है कहते हैं उसने कहा मेरी तो हालत बदल रही है। और उसने मुख्तलिफ जगहें मार्क करके फ्लैग लगा के रखे हुए थे और मुझे सुनाता था पढ़ पढ़ के, और कहता था देखें क्या बात है, क्या शान है इस मज़मून की, और किस तरह आप लोगों ने मेहनत करके कुरान के हुस्न को उभारा है, उजाला किया है। चुनाचे वो अपनी बीवी को भी साथ लाए हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा अलैदगी में कि मेरी बीवी बड़ी सख्त मुतसब ईसाई है और मेरी राह में सबसे बड़ी रोक यही है, तो मैं साथ ले आया हूँ कि शायद इसका दिल नरम हो। अल्लाह ताला ने उसके दिल की नरमी का सामान यूं भी पैदा फरमा दिया कि वो एक ख़ास बीमारी में मुब्तला थीं, और जब मैंने होम्योपैथिकली उनके इलाज की पेशकश की और उनको बताया कि आपकी ये अलामतें हैं और ये वजूहात हैं, तो हैरान रह गईं, क्योंकि वो जो बातें जाहिर थी एक होम्योपैथ को तो फौरन पता चल जाती हैं अलामतों से, वो इस तफसील से उसकी अंदर की कैफियत, बीमारी की कैफियत मैंने बयान की कि वो गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुई, और साथ ही उसने मजलिसों में बैठी पूरा वक्त, बाद में रिसेप्शन में भी आई, तो उनके मियाँ का चेहरा देखकर उनकी बीवी के दिल के तासुरात मालूम हो रहे थे,
इतना खुश थे उनकी कैफियत बदलती हुई देख के कि वो आदमी उसको बयान नहीं कर सकता किस तरह उनका चेहरा खुशी से तमतमा उठता था जब वो किसी बात से मुतासर होती थी। आखिर पर फिर उनसे रहा नहीं गया, जब जुदाई के लिए के वक्त उन्होंने अलविदा कहना चाहा तो अलग कमरे में मुझे मेरे उन्होंने कहा कि अब मैं मजीद इंतज़ार नहीं कर सकता अपनी बीवी के बदलने का और आज मैं यहाँ से बैत करके रुखसत होता हूँ। बस वो खुदा ने उस बाप की दुआ भी सुन ली और उस बाप ने जो मुझे दुआ के लिए कहा था अल्लाह ताला ने मेरा भी हिस्सा डाल दिया और बेटे की दुआ यूँ कबूल हुई कि वही खातून वो मुतलका हैं, उनकी 3 बच्चियाँ भी हैं मगर इतनी काबिल हैं कि स्पेन में शायरी के मुकाबले में सारे स्पेन में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, ऐसी अच्छी अदीबा हैं। उनसे जब मजलिस लगी तो उठने से पहले उन्होंने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि अब मुझे शामिल हो जाना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि नहीं अभी और गौर कर लें, दुआ कर लें, तसल्ली हो जाए। उन्होंने कहा मैंने उठना नहीं जब तक बैत ना कर लूँ, अब तो मेरे दिल के बस की बात नहीं रही। और उसने कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं कितनी देर से जमात अहमदिया के लिटरेचर का मुतालिया कर रही हूँ और मुझे कितनी गहरी दिलचस्पी पैदा हो चुकी है। उसने कहा आपकी किताब है मर्डर इन द नेम ऑफ अल्लाह, उसके 2 अबवाब का मैं तर्जमा करके दोहरा चुकी हूँ और बाकी मैं बड़ा तेज़ी से कर रही हूँ कि मैं समझती हूँ कि स्पेन को इस किताब की बहुत ज़रूरत है। तो अपने तौर पर वो इतना पहले ही खुदा के फ़ज़ल से आगे बढ़ चुकी थी, वो थोड़ा सा दरख्त को हिलाना पड़ता है फल गिराने के लिए, उस हिलाने में खुदा ने मेरा हाथ भी लगवा दिया वरना वो फल तो पहले से तैयार था। और उसकी बैत पर ख़ास तौर पर जो अहमदी हैं स्पेन के वो बहुत ही खुश हुए क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी वो जमात की तरफ से गैर मामूली तकवीत मिलेगी। फिर उसी रात एक पुराने स्पेन के मुसलमान का फ़ोन आया कि मैंने टेलीविज़न पर आपके इमाम का प्रोग्राम देखा है, मुझे ख्वाहिश है अगर वक्त मिले तो मैं अभी आ जाऊं और मुझे घंटा लगेगा पहुंचने में। चुनाचे हमने वक्त दिया, फिर रात 11 बजे से बाद काफ़ी देर तक उनके साथ बैठे रहे। उन्होंने भी आखिर पर यही कहा कि मैं बड़ी देर से मुसलमान हूं मगर तमाम फ़िरकों को परखने के बाद मेरा दिल अटका नहीं कहीं और आपके साथ दिल अटकता है और मैं समझता हूँ कि मेरा यही अंजाम होगा, लेकिन अभी मैं मज़ीद सोचना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ शौक़ से सोचें, दुआ करें। चुनाचे वो बहुत ही मोहब्बत के माहौल में और ऐसे रंग में रुखसत हुए कि जिससे मालूम यही होता था कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। तो वहाँ बुनियादें पड़ी हैं और वहाँ एक सबिया यूनिवर्सिटी है, उसके अरबिक डिपार्टमेंट में लेक्चर का भी मौका मिला खुदा ताला के फजल के साथ और उसके भी अच्छे असरात मुतरतब हुए, बहुत से लोगों ने दिलचस्पी ली और मैं उम्मीद रखता हूँ कि उससे भी इंशाल्लाह ताला तबलीग के नए रास्ते वहाँ खुल जाएंगे। आखिर पर यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ, यह भी सब खुशखबरियाँ हैं और बड़ी खुशखबरियाँ इन मानों में हैं कि मैं समझता हूँ कि हर खुशखबरी के पेट से बहुत ही अजीम शान और खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, यानी ऐसी खुशखबरियाँ हैं जिनके बतन में खुशखबरियाँ पैदा होती हैं। लेकिन ये जो खुशखबरी है ये एक ऐसा फल है जो इस साल तशक्कुर का एक गैर मामूली फल है। आपको याद होगा मैंने कई दफ़ा जमात को इस दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि मेरी बड़ी देर से दिली तमन्ना है कि साल तशक्कुर में हम 1,00,000 बैतों का टारगेट पूरा कर लें और उसके लिए सारे ममालिक को यादहानी भी कराई गई और दुआएं भी की गई, सारी जमात ने दुआएं की। तो आज यानी कल शाम तक की रिपोर्टों के मुताबिक खुदा तआला, और अभी इसमें सारी रिपोर्टें शामिल नहीं क्योंकि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो गैर मामूली मेहनत कर रहे थे लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं पहुँची, खुदा तआला के फजल से 1,08,000 से ज़ायद बैतें हो चुकी हैं और ये साल एक अजीम संगे मील का साल बन गया है, संगे मील की हैसियत रखने वाला साल बन गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी तवज्जो दिलाई थी, इसका ये मतलब नहीं कि ये चोटी बन जाएगी और फिर हम गिर जाएंगे।
ये पहला कदम बनना चाहिए, ये अगली सदी का पहला जीना बनना चाहिए। और जो साहिब बसीरत और साहिब शऊर लोग हैं वो ये अंदाज़ा लगाने लगे हैं, और तमाम मुल्कों से इस किस्म की आरा मौसूल हो रही हैं कि गैरों ने महसूस कर लिया है कि अब ये जमात के गलबे की सदी आ चुकी है। यहाँ तक कि आज ही की डाक में कलकत्ते के हमारे अमीर साहब मशरक़ अली साहब की तरफ से ख़त मिला है, उनको वो अल्लाह ताला ने बहुत तौफीक दी है कि जमात को बड़ी तेज़ी के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ भी इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी रिसाले या अखबार में कोई ख़बर शाया होती है फौरन वो लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं। चुनांचे इसी ज़मन में एक बहुत अहम हिंदू अखबार के एडिटर से उनकी मुलाकात थी और डेढ़ घंटा मुलाकात जारी रही। उसने जमात अहमदिया के मुतल्लिक तमाम जावियों से एक अंदाज़ा लगाया, गहरे सवाल किए, और आखिर पर उसका तासुर ये था कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये ज़माना जमात अहमदिया के गलबे का ज़माना है। अब वो एक साहिब बसीरत इंसान है, इस पहलू से उसने ये बात कही। बस ये बात तो बहरहाल सच्ची है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने कही है, इसलिए कि खुदा की तकदीर हमें ये बात हमारे उफक पर लिखी हुई दिखा रही है। और इसने उफक की तहरीर पढ़ी है, इसकी पेशगोई पूरी नहीं होगी, खुदा की तकदीर पूरी होगी, लेकिन पढ़ने वाले उफक की तहरीरें पढ़ लिया करते हैं। जो सुबह सादक के आसार देखकर ये पेशगोई कर दें कि दिन ज़रूर तुलू होगा, दिन तो ज़रूर तुलू होता है, लेकिन उनकी पेशगोई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सुबह सादिक के आसार को दिन चढ़ने से पहले देख लिया होता है। बस इस वक्त दुनिया में ऐसे ममालिक में भी जहाँ जमात का की तादाद बहुत थोड़ी है और गैरों का बहुत वसी गलबा है, या जैसे हिंदुस्तान है, वहाँ के बाशऊर लोग भी आज उन आसार को पढ़ने लगे हैं जो कल के मुस्तकबिल के जमात अहमदिया के अजीम गलबे की खबर दे रहे हैं। बस इस रमज़ान में उस गलबे के लिए भी तैयारी करें, और जहाँ लिखा की दुआएं मांगें वहाँ ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कसरत से सारी दुनिया में साहिब लिखा बंदे पैदा करके खुदा के हजूर तोहफे के तौर पर पेश करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر